फ्रेंड्स, मैं अफरोज, मेरा चैनल का नाम है अफरोज मास्टर क्लास। नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कॉलर के साथ हाईनेक ब्लाउज़ कैसे कट किया जाता है। कॉलरेबल हाईनेक ब्लाउज़ है, उसको कैसे कटिंग किया जाता है आपको अच्छा से देखने को लिए मिलेगा। और आप एक प्रोफेशनल मास्टर बनना चाहते हैं या इसी तरह कटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप इस वीडियो को अच्छा से ज़रूर देखिएगा इसी तरह कटिंग करना है तो। और इसका पहले जो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कट किया उसको अलग तरीके से मैं आपको दिखाया। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, और आप पुराना है वह पहले से वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा। लेकिन इसमें हमने प्रिंसेस कट कैसे अलग तरीके से कटिंग किया जाता है वो मैं आपको अच्छा से दिखाया। और आप एक प्रोफेशनल मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सभी तरह कटिंग आपको मालूम होना है। इसीलिए मैं आपको ज़रूरत का हिसाब से हम एक के बाद एक जो वीडियो डालेंगे तो उसमें कुछ थोड़ा सा कटिंग में चेंज करते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा मैं जैसे वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास आने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लाउज़ के लिए, एक अच्छा मेजरमेंट आपको ज़रूर चाहिए, नहीं तो ब्लाउज़ का फिटिंग का प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले उसका जो लेंथ है 15 है, अपर चेस्ट है 34 और उसका चेस्ट है 37 है और वेस्ट है 31 और स्लीव जो है स्लीव का लेंथ है 11.5 और उसका मोरी जो है वो 11.5 ही है और बाइसेप्स का राउंड जो है वो है 13। उसका आर्म राउंड है 16.5 है और शोल्डर जो है 15 है और फ्रंट नेक का डीप जो है 8 है और एपेक्स का जो पॉइंट है वो 0.5 इंच है 9.75 और एपेक्स पॉइंट टू पॉइंट जो है उसका चौड़ाई है 8 इंच और ब्रेस्ट का लेंथ जो है वो है 13.5 है और बैक नेक का भी एक मेजरमेंट था वो पहले नहीं लिखा, वो इधर है, वो है 9.5। आइए मैं आपको उसको कटिंग अच्छा से दिखाता हूँ कैसे कट किया जाता है वो मैं दिखाऊँगा। और इसको अच्छा से देख लीजिएगा, और प्रिंसेस का कटिंग करने का अलग अलग तरीका है। आप एक प्रोफेशनल मास्टर आप बनना चाहते हैं और एक आप बनेगा तो आपको दोनों को सभी तरह का कटिंग मालूम होना चाहिए। इसका पहले दो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग दिखाया, उसको मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा अलग करके आपको कट करके दिखाऊंगा कैसे अलग तरह से भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट किया जाता है। सबसे पहले इसको जो लेंथ है वो हम मेजरमेंट करेंगे, ये हमारा स्टिचिंग का ये होगा। इसका पहले 15 इंच लेंथ है, लेंथ को मार्क कर लेंगे। इधर भी हम ऊपर का जो शोल्डर है इधर सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो उसका हाई नेक भी है और कॉलरेबल है तो इसीलिए उसका जो शोल्डर का मेजरमेंट होगा, पहले शोल्डर का मेजरमेंट करते हैं। ये शोल्डर का है और उसका मेजरमेंट जो है वो है शोल्डर 15 है तो उसको कॉलरेबल है इसीलिए उसको कम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम कम करेंगे 14.5 में मार्क करेंगे। 14.5 का हाफ करेंगे तो 7.25 में आएगा, आप देख सकते हैं 7 इंच में। थोड़ा सा गलाई के लिए नीचे मार्क करेंगे, उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर अच्छा से पूरा देखिएगा तो आप भी इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इधर का नेक का जो चौड़ाई होगा वो है 7.5 तो उसका हाफ आएगा तो 3.5 में आएगा। उसके बाद इसका जो कॉलर है इसलिए इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, लगभग 0.25 इंच तक आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ऐसे खींच लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया शोल्डर रेडी। फिर अपर चेस्ट जो है उसके लिए हम एक मार्क करेंगे, लगभग 7 इंच में एक मार्क करेंगे क्योंकि वो कॉलर है, उसका बैक नेक भी हाई है इसीलिए ऐसा है। और किस कॉलर में ये किस नेक में कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसका पहले मैं कुछ वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके मेरा चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद अपर चेस्ट जो है 36 है, 36 को हम डिवाइडेड करेंगे तो 34 है उसको डिवाइडेड करेंगे तो 8.5 आएगा। 4 से डिवाइडेड करेंगे तो 34 है उसको डिवाइडेड करेंगे तो 4 से तो 8.5 आएगा, तो उसको हम 8.5 आया। उसके बाद हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, ये लूज है हमारा, उसके बाद वो आएगा तो 9 आएगा। उसके बाद वेस्ट का जो मेजरमेंट है 31 उसमें हम कुछ भी लूज़ नहीं डालेंगे,
क्योंकि ब्लाउज़ का मेजरमेंट जो है वो वेस्ट फिटिंग से लिया जाता है और फिटिंग से कटिंग किया जाता है। तो 31 है तो उसको हम 4 डिवाइडेड करेंगे तो 31 डिवाइडेड 4 तो हमको आएगा 7.5 इंच आएगा, तो 7.75। तो ये 7.5 में आएगा, तो 7.5 में हम एक मार्क करेंगे। इसका बैक में टक है इसीलिए हम 1 इंच डालेंगे। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा तो आप भी एक प्रोफेशनल मास्टर का जैसा कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो आर्म राउंड है उसको मेजरमेंट करेंगे। उसका पहले इधर एक हम स्केल को ऐसे रखेंगे, आप देख सकते हैं। इसको बाद रखने के बाद हमारा जो आर्म राउंड है वो है 16.5। 16.5 हमको मेजरमेंट करना है। देखिए ये 16.5 आया तो हम इसी को ऐसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद इधर भी थोड़ा सा हमको कम करना है क्योंकि कॉलर इसी तरह नेक है, तो इधर थोड़ा सा भी कम करना है। तो इसका जो फिटिंग आएगा बैक में वो बहुत अच्छा से आएगा। ये हमारा हो गया बैक का मार्क रेडी। अब हम इसको कट करेंगे। इसका जो साइड है, साइड में 101 इंच से 1.5 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए 101 इंच 101 इंच। उसके बाद हम इसको ऐसे खींच लेंगे और उसके बाद बैक का बैक में जो टक होगा वो हम मार्क करके दिखाएंगे। बैक में जब टक डालिएगा, बैक का जो ये जो है हाफ है उसका करेक्ट बीच में आएगा बैक का टक। तो इसको जो है हमको टक के बाद आया 7.5 इंच, तो लगभग हम 4.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इधर एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इधर से सेम पोजिशन में हम एक मार्क करेंगे। इसको भी ऐसे खींच लेंगे। टक का जो लंबाई होगा ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, 4 से 4.5 तक आप कर सकते हैं। हमने 4 में एक मार्क किया। उसके बाद इसको 1 इंच टक है तो 1/2 इंच इधर डालेंगे, 1/2 इंच इधर डालेंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे इस मार्क से मिला लेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टक डालने के बाद ये नीचे आएगा, इसीलिए हम इसको ऊपर में 1/2 इंच थोड़ा सा 1/2 इंच लगभग 1/2 इंच ऐसे एक मार्क कर लेंगे टक के बाद। तो ये हमारा टक डालने के बाद साइड स्टिचिंग करने के बाद ये नीचे नहीं आएगा, इसलिए इसका पहले जो हम ब्लाउज़ किया उसमें छोटा नहीं किया क्योंकि उसको टक थोड़ा सा छोटा था। छोटा है तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। ऊपर में 1/2 इंच के बाद हम ऐसे मार्क कर लेंगे, कट कर लेंगे। इधर भी 1/2 इंच के बाद हम ऐसे इसको कट कर लेंगे। इधर भी सीधा होना चाहिए क्योंकि साइड स्टिच करने के बाद, नहीं तो उधर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा साइड का मार्क है और ये हमारा टक जो डाला उसका मार्जिन है। उसके बाद हमने कट कर लिए, ये हमारा हो गया बैक का कटिंग रेडी। तो हम फ्रंट पीस आप कट करने के लिए दिखाएंगे। आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और आपको इस वीडियो को आप फ्रंट पीस कटिंग करने के पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रंट पीस में कट करके दिखाऊंगा, यहीं पे आपको अच्छा से देखना है क्योंकि कैसे हाईनेक कट किया जाता है। आप इसको देख लिया तो आप फुल ब्लाउज़ कट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका फ्रंट में ओपन होगा क्योंकि कॉलरेबल ब्लाउज़ है तो फ्रंट में हुक ज़्यादातर होता है, बैक में भी आप कर सकते हैं लेकिन फ्रंट में करेगा तो और भी अच्छा है। देखिए फ्रंट में ओपन है इसीलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन डाला। उसके बाद इसका जो बैक में हाई नेक है मैं उसको कैसे मार्क करते हैं और इसका पहले जो प्रिंसेस कट दिखाया उसमें भी मैं अलग तरीके से दिखाया और इसमें भी आपको अलग तरीके से दिखाऊंगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मास्टर है तो आपको सभी तरह ब्लाउज़ कटिंग करना आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये हमारा जो मार्क करेंगे वो आप अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए ये हमने मार्क किया इधर से 3.5 इंच है, देख सकते हैं आप। इसमें इसको कुछ रखेंगे तो और भी नहीं हिलेगा। देखिए यहाँ से 3.5 इंच है, मैं एक मार्क किया उसको हमने डायरेक्ट खींच लिया। उसके बाद 1 इंच थोड़ा सा अंदर करेंगे, ये बाहर नहीं करना है, थोड़ा सा अंदर करना है 1 इंच क्योंकि ये हमारा बैक से कॉलर जो है वो आएगा। आप थंबनेल में जो फोटो देखा उसी तरह आपको कटिंग का पैटर्न मैं दिखाऊंगा। देखिए ये अंदर से खींच लिया। उसके बाद देखिए ये बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए उसके बाद 3 एंड हमारा हमको मालूम होना है 3.5 इधर है,
तो हम 3.5 करेक्ट इधर डालेंगे, उसके बाद इसको ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा बैक का जो हाईनेक होगा वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पीस के लिए फ्रंट पीस का जो सेंटर है वो कट करके दिखाएंगे, और इसको साइड पीस है वो भी अलग तरह से कट करके मैं आपको दिखाएंगे। उसके पहले देखिए ये हमने मार्क कर लिया, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा इधर राउंड बनाएंगे, उसके बाद इसको भी ऐसे मार्क करेंगे। लगभग इधर से 5 इंच मार्क कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो सेंटर का जो शेप आएगा वो 4.5 इंच लगभग आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारा मार्क हो गया, इधर तक हमने मार्क कर लिया, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको बैक जो है उधर भी थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि इधर तक हमारा बैक का मार्किंग आया। उसके बाद हम इसको कट लगाएंगे। अब देख सकते हैं ये जो है ये हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद इधर भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि ये हम स्टिचिंग लगाएंगे। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसके बाद हम फ्रंट बैक को हटाएंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे कट मार्क किया, और आपको भी समझ में आएगा बहुत अच्छा से, आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेंटर पीस और साइड पीस कट किया जाता है प्रिंसेस कट। देखिए इसका जो पॉइंट का मेजरमेंट है वो 1/2 में है, 1/2 में कट किया। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट का जो चौड़ाई है वो है 8 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 4 इंच में आएगा, 4 इंच मार्क कर लिया। उसके बाद इसका जो एंडिंग होगा जहाँ से ख़त्म होगा फ्रंट का लेंथ, वहाँ पे हम मार्क करेंगे। इधर हम 4 इंच में मार्क किया, तो इधर हम 3.5 इंच में मार्क करेंगे, 1/2 इंच कम करेंगे। उसके बाद इसको हम तिरछे जैसा है ऐसे में हमने खींच लेंगे, इधर तक ही खींचना है पहले। उसके बाद आप समझ लीजिएगा, देखिए इधर से लगभग 4.5 इंच तक आएगा। उसके बाद स्केल जो है उसको हम ऐसे रखेंगे, देख सकते हैं इसी तरह आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से शेप आएगा। आप एक बिगिनर है तो आपको ये शेप के आने के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप वीडियो को जब देखिएगा अच्छा से आपको अच्छा से आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे आप देख सकते हैं, ये जो ट्रिक आपको दिखाऊंगा ये आप अच्छा से समझ लीजिएगा। देखिए इसका जो ब्रेस्ट लेंथ है वो हम मार्क करके दिखाऊंगा, 13.5 है ब्रेस्ट लेंथ। आप पहले मेजरमेंट में आपको दिखाया, देख सकते हैं 13.5 में मार्क किया, ये 13.5 है। इसका जो चेस्ट है 37 है, तो लगभग हमको इधर से 2 इंच का एक ये जो शेप डालेंगे प्रिंसेस का, जो प्रिंसेस का ब्लाउज का जो इधर से शेप होगा उसके लिए इसका चेस्ट का हिसाब से हमको लगभग 2 इंच है। उसका चेस्ट ज़्यादा है तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, उसका चेस्ट थोड़ा सा कम है तो आप 1/2 इंच में कर सकते हैं, लगभग 1.5 इंच में भी आप कर सकते हैं। आपको इसी तरह समझना है, इसका चेस्ट का हिसाब से 2 इंच आएगा, ये 2 इंच हम 2 इंच आया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये जो लाइन्स है इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्रेस्ट लेंथ का लाइन है, वो हमको ब्रेस्ट लेंथ तक ही होना है। उसके बाद इसको ऐसे खींच लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस मार्जिन को ऐसे मिलाएंगे, देखिए ये हमारा फ्रंट पीस का साइड पीस हो गया। उसके बाद देख लीजिए हम एक मार्क करना भूल गया, आप देख सकते हैं इसको हम पूरा मार्क कर लेंगे। मैं आपको मार्क करके इसीलिए बाद में दिखाया कि आपको ये शेप पता चले कैसे आया। देखिए उसके बाद हम इसको ऐसे पूरा मार्क कर लेंगे, फिर हमने बैक में एक टक डाला, अब देख सकते हैं ये हमारा बैक का मेजरमेंट है, और ये टक डाला उसका हमने मार्क कर लिया। ये हम इसलिए मार्क करेंगे वो भी आपको मेजरमेंट से मैं दिखाएंगे। देखिए उसके बाद ये जो बैक है बैक से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे, क्योंकि स्टिचिंग के बाद जब चेस्ट में शेप आएगा तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं डाला था, वो 1/2 इंच ऊपर जाएगा तो लेंथ 15 आपको नहीं मिलेगा। आप 15 में मेजरमेंट किया इसलिए 15 बोलते हैं, लेकिन आप जितना मेजरमेंट किया उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद हम इसको ऐसे खींच लेंगे, यह हमारा फ्रंट पीस का फुल रेडी हुआ। इसके बाद हम साइड पीस दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ तक है,
उसके बाद ये मार्जिन पूरा है, उसके बाद आप देख लीजिएगा अच्छा से। इसका जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 37, तो देख सकते हैं इसका जो मेजरमेंट है मैं अच्छा से आप देख लीजिएगा कितना है, 9 है, ठीक है 9। उसके बाद यहाँ से वो साइड का मेजरमेंट था, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन किया, देखिए 9 है। उसके बाद 9 से हम यहाँ तक डालेंगे तो ये कितना आया, 18 इंच। तो हमको हाफ इंच कम है, वो हाफ इंच हमको किधर से मिलेगा आप देख लीजिए। इसका जो कमर है वो है 31। यहाँ तो हमारा टैग का मार्जिन है, इसलिए हम यहाँ से मार्क करेंगे, देखिए 7.5 में आया, 7.5 हमको फ्रंट में भी 7.5 चाहिए, तो हमको वेस्ट का जो मेजरमेंट है 31 मिलेगा। देखिए इधर है 3.5 इंच, 3.5 इंच हम ऐसे रखेंगे, उसके बाद 7.5 हमारा जिधर आएगा हम उधर एक मार्क कर लेंगे, देखिए ये मार्क किया। उसके बाद हम इसको ऐसे मार्क कर लेंगे, देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो हाफ इंच कम था, आप किसी को भी ब्लाउज का कटिंग देखिए तो उसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा 9 इंच है, आप अच्छा से समझ लीजिएगा 9 इंच, उसको हाफ किया तो 18 and 18.5 आप देख सकते हैं, जो चेस्ट है 37 है, 37 का हाफ है 18.5, देख सकते हैं ये हमारा 37 रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो देखिए ये हमने मार्क कर लिया, मार्क हम मार्क लिस्ट में लिखाएंगे और इस मार्क को भी हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे खींचने का पहले भी एक मार्क है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जो लेंथ है ये आपको अच्छा से समझना है, देखिए ये जो लेंथ है 4.5 इंच है, 5.5 इंच है सॉरी, तो 5.5 इंच हमको इधर भी 5.5 इंच ही तक ही होना है, नहीं तो आप जब स्टिच कीजिएगा तो ये ज़्यादा कम आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इसीलिए रखना है क्योंकि स्टिचिंग करते समय इसको थोड़ा सा लूज में स्टिचिंग करेगा तो इसका जो शेप है वो बहुत अच्छा से आएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा साइड रेडी हो चुका है। उसके बाद इसका जो 101 इंच हमने बैक में रखा, बैक को आप ऐसे रख लीजिएगा, उसके बाद मार्क कर लीजिएगा, तो क्या होगा बैक और फ्रंट का जो मेजरमेंट होगा वो बहुत अच्छा से आएगा। देखिए ये हमारा मार्क रेडी हो चुका है, देख सकते हैं किस कितना अच्छा से मैं आपको मार्क करके दिखाया। इस वीडियो को आप अच्छा से देखा तो आप भी कट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम हाफ इंच के बाद हम पूरा कट कर लेंगे, देख सकते हैं इधर भी हम हाफ इंच रखेंगे, ये हमारा हो गया रेडी। इसके बाद हम इसको हम कट करके दिखाएंगे। देखिए हमने मार्जिन इधर रखा, इधर हमने नहीं रखा, आप पीस पे जब कट करिएगा तो थोड़ा सा इसको हटा के कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा ब्लाउज पीस रेडी हो चुका है। इसी तरह आप कट करने के बाद डबल टैक का जो ब्लाउज़ है वो भी कर सकते हैं, इधर थोड़ा सा मार्जिन रख लीजिएगा, इधर एक टक डालिएगा इधर तक, और इधर तक भी एक टक है, दो टक से भी आप ब्लाउज़ बना सकते हैं। ये जो है इधर भी हम कट कर लेंगे, और ये जो हमारा सेंटर है वो इधर तक है, इसीलिए हम उधर एक मार्क कर लेंगे और इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे, देख सकते हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे। देख सकते हैं इसका जो जॉइंट है बहुत अच्छा से बराबर से आएगा, देखिए ये मार्क, ठीक है आप इसी तरह ब्लाउज कट करिएगा। इसके बाद इसका जो फ्रंट नेक का जो मार्क करेंगे, देखिए उसके बाद हम नेक का मार्क करके आपको दिखाऊंगा कैसे फ्रंट में नेक का मार्कर किया जाता है। देखिए ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन हो गया, ये हमारा नेक का मार्जिन है, इधर से हम लगभग इसका 3.5 इंच चौड़ाई करेंगे तो 7.5 तक आएगा। देखिए उसके बाद नेक का जो डीप होगा वो है 8 इंच फ्रंट नेक का, तो हम इधर से मार्क करेंगे 8 इंच। उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे खींच लेंगे, इसको थोड़ा सा हम
स्केल को रखकर खींच लीजिए, खींच लेंगे। देख सकते हैं इधर में हम ऐसे राउंड बनाएंगे। तो ये हमारा इधर का नेक का मार्किंग रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट में कैसा नेक है इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पान शेप में है तो मैं इसीलिए वही शेप में किया। आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, इधर से स्ट्रेट करने के बाद ऐसे मार्क कर लीजिए। देख सकते हैं कितना अच्छा है। आप इसी तरह ब्लाउज ज़रूर कट कीजिएगा। उसके बाद हम इसको रखकर फ्रंट पीस का जो फ्रंट में जो कट है वो हम कट लगाएंगे, नहीं तो इधर थोड़ा सा आपको चुड़क आएगा। तो हम इसको लगभग 1.25 इंच तक हम ऐसे कट लगाएंगे और इधर भी हमें कट लगा देंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह ब्लाउज कॉलरेबल नेक इसी तरह कटिंग किया जाता है। और ये हमारा हो गया फ्रंट पीस। मैं आपको डिज़ाइन के लिए दिखाऊंगा, इसी तरह ब्लाउज है तो उसका बैक में हम आप एक ऐसा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये 9.5 है इसका बैक नेक, आप जितना मेजरमेंट कीजिएगा उसी हिसाब से ये सेंटर होगा। तो इधर से हम कॉलर का जॉइंट करेंगे तो इसको इसी तरह भी आप एक वाटर ड्रॉप्स का जैसा मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक का नेक इसी तरह आप कर सकते हैं। इसको आपको ट्रायंगल इसी तरह आपको स्क्वायर इसमें चाहिए तो आप कर सकते हैं, डायमंड शेप में आप इसको राउंड भी कर सकते हैं और एक इसी तरह आप शेप भी डाल सकते हैं, वो आपका क्या हिसाब से आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं इसके बाद हम आपको स्लीव कट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम नीचे एक मार्क कर लेंगे, उसके बाद स्लीव का जो लंबाई है 11.5 इंच है तो 11.5 इंच में हम एक मार्क करेंगे। इधर से शेप के लिए 3.5 इंच में एक मार्क करेंगे और बाइसेप्स का जो राउंड है उधर के लिए 5.5 इंच में हम मार्क करेंगे। उसके बाद इसको इस दोनों को हम ऐसे खींच लेंगे क्योंकि इसी तरह आपको समझ में आने के लिए देखिए। उसके बाद जो इसका जो राउंड का मेजरमेंट है 16.5 है तो आप स्केल को थोड़ा सा ऐसे रखकर मेजरमेंट कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि देखिए इसी तरह हम मार्क करेंगे तो आप देख सकते हैं 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच में मार्क करेंगे। इसीलिए स्केल को रखने के बाद ऐसे सेव कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ये हमारा हो गया और बाइसेप्स का जो राउंड है वो है 13 इंच, तो 13 इंच में मार्क करेंगे। उसका मोरी का जो है 11.5 इंच है तो 11.5 इंच में हम एक मार्क करेंगे। उसका हाफ आएगा तो 5.25 आएगा, इसको भी हाफ आएगा तो 13 है तो उसका हाफ आएगा तो 6.5 आएगा। और ये हमारा आम राउंड का जो इधर शेप होगा वो हम शेप डाल लेंगे। देखिए यहाँ से लिया, उसके बाद लगभग यहाँ से 1.5 इंच तक आप सीधा रखना है। उसके बाद स्केल को ऐसे रख लेंगे, इसको भी ऐसे मिलाएंगे, ये साइड है और ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया। इसके बाद इसको ऐसे सीधा कर लीजिएगा क्योंकि एक साथ में जब ब्लाउज का स्लीव में एक साथ आप स्टिच करते हैं तो वो खींचा उधर नहीं आएगा। उसके बाद इधर से 1/2 इंच के बाद हम ऊपर में कट कर लगाएंगे, इसको भी सीधा करेंगे। उसके बाद साइड में भी हम ऐसे कट लगाएंगे। इधर आपको पाइपिंग नहीं चाहिए, फोल्डिंग है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और इधर पाइपिंग कुछ चाहिए तो 1/2 इंच के बाद आप कट कर सकते हैं। उसके बाद पाइपिंग के बाद एक कपड़ा से आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया स्लीव भी रेडी। आपको भी इसी तरह वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अच्छा से पूरा देखा होगा, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा, उसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको अच्छा से दिखाऊंगा कैसे मैं कट किया, उसको हम आपको अच्छा से दिखाऊंगा कैसे किधर जॉइंट करना है। हमने जब कट कर लिया उसको कैसे स्टिचिंग करना है वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए इसका जो साइड हम जॉइंट करेंगे वो हम इसी तरह जॉइंट करेंगे तो ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा से परफेक्ट से फिटिंग आएगा। देख सकते हैं भाई सभी तरह बराबर से आएगा। आप इसको देखिए, देखने के बाद कट कीजिएगा। देखिए हम साइड को ऐसे जॉइंट करेंगे और बैक जो है बैक में हम इसका जो शोल्डर है वो कैसे जॉइंट करना है वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इधर से हम सीधा जॉइंट रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा तो 1/2 इंच इधर आएगा। देख सकते हैं इसको जॉइंट करेंगे तो हमको इस शेप में कॉलर मिलेगा और नेक भी मिलेगा। आप देख सकते हैं इसको इसी शेप से आएगा।
इसको ऐसे कटिंग किया जाता है। आपको अच्छा से पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नया कुछ लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।